वाली प्राथमिक माध्यमिक दसवीं और बारहवीं के छात्रों को सम्मानित किया गया है। दीक्षित जी सम्मान करेंगे। अब जो इस सारी श्रेणी, चाहे वो दसवीं हो, चाहे आठवीं हो, चाहे बारहवीं हो, चाहे चौथी हो, चाहे पांचवी हो, किसी भी कक्षा का जो शिक्षकों का और बच्चों का जो उन्नति होती है, उसमें जिनका सबसे अधिक परिश्रम और योग होता है, वो है हमारे आदरणीय श्री प्राचार्य महोदय श्री एस के सोनी जी, जिनके नेतृत्व में ही सारे शिक्षा की रोग भोग रहती है। ऐसे प्राचार्य महोदय को भी सम्मानित करने में हम अपने आप को अवनोदित कर रहे हैं। मैं आदरणीय श्री दीक्षित से और अपने अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रतिभावान प्राचार्य श्री एस के सोनी जी का से सम्मानित करें, श्रीफल सॉल से सम्मानित करें, और इस आशा के साथ किसी तरह से लगन के साथ हमारे बच्चों को हमेशा निरंतर आगे बढ़ाते हुए उनमें प्रतिभावान बनाने का प्रयास करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे गांव के नेताजी हमारे मित्र श्री जयप्रकाश जी राय से अनुरोध करेंगे कि वो सम्मान में दो शब्द कहने का कष्ट करें। श्री जयप्रकाश जी राय, आज के इस नृत्य शिविर में पधारे हमारे जो अतिथि गणमंचासीन हैं, माननीय प्राचार्य महोदय और भी साथी लोग मंचासीन हैं, तो इस समारोह में आने पर वास्तव में उन्होंने जो अपना अमूल्य समय दिया है, उनके प्रति तो हम ग्रामवासी ही माने उनका विशिष्ट विशिष्ट माने आभार प्रदर्शन करते हैं कि ऐसे समारोह में उन्होंने अपना योगदान किया। दूसरी बात कि जिनकी प्रथम पुण्यतिथि पर यह प्रोग्राम किया गया, आदरणीय पूज्य किशोरी जी महाराज शुक्ला, जो कि हमारे भी गुरु हैं। अब सवाल ये है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जो कार्यक्रम हुआ है नेत्र शिविर, किसी शायर ने कहा है, अंधेरे में जो बैठे हैं, अंधेरे में जो बैठे हैं मतलब नज़र वाले, उन पर भी दृष्टि डालो, तो ये जिनके नेत्रों की जो एक शिविर बनाया गया है, तो उनके विषय में इसी क्रम में गुरु का भी एक स्थान है, जो अशिक्षित हैं, नहीं समझ पाते, अज्ञान हैं, कई तरह की विसंगतियां मन में हैं, तो गुरु के ज्ञान से ही वो अपने प्रकाश की ओर जा सकता है। जैसे कि आज जो ये नेत्र शिविर हुआ है, जिन्हें नहीं दिखाई पड़ता, सूझता नहीं है, परेशानी है, उन्हें आज प्रकाश मिल रहा है, उजाला मिल रहा है। इसी क्रम में हमारे जो गुरुजी आदरणीय पूज्य किशोरी जी, जिनकी हम दीक्षा भी लिए हैं, उनके विषय में हम कहाँ तक बताएं, हमारे पास शब्द भी नहीं है उनके विषय में कहने के लिए कि वो कैसे पंडित थे, कितने विद्वान थे, और उनके जो गुण थे। एक पंडित में एक जो पंडित होता है, उनके में ऐसे सभी गुण मौजूद थे कि जिन्हें बहुत ही आदरणीय दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखा और समझा जाता था, उसी वजह से हमने उनकी दीक्षा ली थी। तो आज हमें बड़ा गर्व है यहाँ खड़े होकर के उनके विषय में जो शब्द कहने का, बोलने का, कि हमें हमारे गुरुजी ने, और जो उनके सुपुत्र आज परिवार में हैं, उन लोगों ने उनके सम्मान में जो आयोजन किया है, हम उनको भी बधाई देते हैं, उनके सुपुत्रों के लिए,
और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जो ग्रामवासियान हैं, भाई हैं, माताएं बहनें हैं, जिन लोगों ने भी इस समारोह में शिरकत की है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि इस समारोह को बहुत अधिक से अधिक तरीके से अपना सहयोग देकर के सफल बनाया। और मैं अधिक तो नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे और भी अतिथि हैं, लोग हैं, संभवतः बोलेंगे। तो मैं अपने गुरु जी के विषय में यही निवेदन है कि जिस तरह से सम्मान, मतलब ये अंधेरे और उजाले की बात है, इसी तरीके से गुरु और शिष्य की बात है, ये दोनों चीज़ों का मेल यहाँ है। और हमारे जो प्राचार्य जी हैं उनके विषय में जो आज साल शरीफ और भेंट किया गया है वह भी इसी ओर जाता है कि अगर शिक्षक अगर अपने शिष्य के लिए सही शिक्षा देता है तो निश्चय है कि उसके अंदर के जो अंधकार हैं वो दूर होंगे और उसका जीवन सफल होगा। जिस तरह से आज निःशुल्क नेत्र शिविर हुआ है, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आज इस शिविर के माध्यम से कुछ लोगों को अगर लाभ मिल जाए, उन्हें रोशनी मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा हो नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और अपनी वाणी को विराम दूंगा और धन्यवाद। और अंत में मैं अपने आगतुक पधारे हुए सभी महिलाओं का मैं पुनः हृदय से आभार करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में पधार करके हमें अनुकृत किया है। उसके लिए बार बार हम उनका धन्यवाद करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं राम साहब तुम्हें बोलने का क्या तुम्हें बोलने का हमें नहीं बोलना, तुम बोलो हमें सब तुम्हें दो हमें और निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम में जो सफलता रही है उसमें जो लगन हुई है सारे ग्रामवासियों के लिए जिन्होंने भी सहयोग किया है उन सभी का मैं हम बार बार धन्यवाद करते हैं और शुभ आशीष करते हैं अपने बड़े भाई के सारे बच्चों का कि जिन्होंने एक हृदय में ऐसी एक भावना पैदा की कि जिससे आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम नेत्र परीक्षण का यहाँ आयोजित हुआ। और हम ये अपेक्षा करेंगे कि इसी तरह के कार्यक्रम अपने पूर्वजों के स्मृति में हमेशा करते रहें, निश्चित रूप से, क्योंकि उनका ही वरदान है, उन्हीं का ही आशीष है कि आज हम अपने अपने गंतव्यों पर अपने अपने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है जिससे फल फूल रहे हैं। इसलिए हम उनको हमेशा अपने हृदय में बसाए रखें और उनके बताए हुए मार्गों पर आगे बढ़ते रहें, इसी में हमारी उन्नति है। धन्यवाद। जय भीम।